अगर आप एक टीनेजर हो यानी कि आपका उम्र 13 से लेकर 20 वर्ष के बीच है और आप अपने बॉडी को बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप फ्यूचर में बहुत पछताओगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपका बहुत समय बचाएगा और आपको कम समय में बॉडी बनाने में बहुत मदद करेगी, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना है। टिप्स नंबर 1, बी सीरियस। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति वर्कआउट करना स्टार्ट करता है तो देखिए जिस दिन से उन्होंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है उस दिन से अगले एक साल का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं न्यूवी गेन पीरियड। और ये जो पीरियड होती है ना, इसमें आपकी बॉडी जितनी तेजी से मसल्स बनाती है उतनी आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं बनाती। यानी कि अगर आप अपने इस पीरियड को सही से यूज करते हो और अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हो और एक सही डाइट को फॉलो करते हो तो आप अपने बॉडी को जल्दी ही ट्रांसफॉर्म कर लोगे। और इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कभी भी डे बाय डे अनदर बॉडी पार्ट वर्कआउट शेड्यूल को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको एक फुल बॉडी वर्कआउट का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। यानी कि आपको हर एक दिन अपने पूरे बॉडी पार्ट को ट्रेन करना चाहिए। देखिए, इससे आपके बॉडी में दो बड़ा फायदा होने वाला है। सबसे पहला, आपका बॉडी का जो पोटेंशियल है, जो पावर है, जो ताकत है ना, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और दूसरी चीज कि आपका पूरा बॉडी एक साथ ही ग्रो करेगा और जिससे आप अपने बॉडी में बहुत जल्द ही अच्छा खासा मास को गेन कर लोगे। और देखिए, टीन एजर में बहुत से बच्चों का और एक प्रॉब्लम होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें जिम ज्वाइन नहीं करने देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिम में हैवी वेट उठाने की वजह से उनकी हाइट रुक सकती है और कहीं ना कहीं इंजरी भी हो सकती है। और इसीलिए मैं आपको कुछ वर्कआउट के बारे में बताता हूँ जिसे आप अपने घर पे ही कर सकते हो और ये वर्कआउट आपके पूरे ओवरऑल बॉडी को ग्रो करेगी और इन वर्कआउट से आपकी हाइट भी नहीं रुकने वाली है, उल्टा और बढ़ने वाली है। तो एक्सरसाइज नंबर 1, नॉर्मल पुशअप। देखिए, नॉर्मल पुशअप आपके चेस्ट को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। तो आपको नॉर्मल पुशअप को कुछ इस तरीके से करना है और इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 15 से 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, डायमंड पुशअप। देखिए, जो डायमंड पुशअप होती है ना, वो हमारे ट्राइसेप्स को ग्रो करती है और साथ ही साथ हमारे चेस्ट मसल्स को भी ग्रो करती है। आपको डायमंड पुशअप करने के लिए आपको सबसे पहले पुशअप के पोस्चर में आना है और फिर अपने दोनों हाथों को पास पास लाते हुए एक डायमंड का शेप बनाना है। और इसके बाद आप जिस तरीके से पुशअप लगाते हो सेम उसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 8 से 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, ट्राइसेप्स डिप्स। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी भी बेंच या टेबल पे अपने हाथों को कुछ इस तरीके से पीछे करके रखना है और फिर इसके बाद अपने हिप्स को अप एंड डाउन करते हुए कुछ इस तरीके से इस एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना है। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये आपके ट्राइसेप्स के मसल्स को बहुत तेजी से ग्रो करती है। और देखिए, हमारे आर्म का लगभग 70% हिस्सा हमारा ट्राइसेप्स से होता है और इसीलिए अगर आपका ट्राइसेप्स ग्रो हो जाता है तो आपका आर्म अच्छा खासा चौड़ा दिखाई देने लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 4, पाइक पुशअप। देखिए, पाइक पुशअप आपके शोल्डर को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट होम वर्कआउट है। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले पुशअप के पोज में आना है और फिर अपने हाथों को पास लाते हुए अपने बॉडी को एक माउंटेन के शेप में क्रिएट करना है और इसके बाद अपने सिर को नीचे ले जाते हुए कुछ इस तरीके से आपको पुशअप लगानी है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, पुलअप्स। देखिए, पुलअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि एक साथ आपके कई सारे मसल्स को ट्रेन करती है और साथ ही साथ आपके बैक को चौड़ा बनाती है और जिससे आपके बॉडी को एक लंबा चौड़ा सा लुक मिलता है। तो पुलअप को तो आपको जरूर ही करना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 10 से 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, बाइसेप्स कर्ल। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 2 डंबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप ईंट का भी प्रयोग कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों में ईंट या डंबल को कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है
और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना है। तो इस एक्सरसाइज को आपको 3 सेट 12 रेपिटेशन के लगाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 स्क्वाट्स। देखिए अभी मैंने आपको जितने भी वर्कआउट के बारे में बताया वो सारे आपके अपर बॉडी को ट्रेन करेगी, लेकिन स्क्वाट्स जो है वो आपके लोअर बॉडी को ट्रेन करती है, यानी कि आपके लेग मसल्स को ट्रेन करती है। और देखिए एक बात का ध्यान रखें कि बॉडी बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन की नीड होती है और जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन उस वक्त सबसे ज्यादा रिलीज होती है जब हम लोग लेग से जुड़े एक्सरसाइज को करते हैं। तो इसीलिए हर दिन कम से कम 50 स्क्वाट्स तो जरूर ही लगाएं। तो देखिए अभी मैंने आपको जितने भी सारे एक्सरसाइज के बारे में बताया, इन सारे एक्सरसाइज को आपको पूरे वीक में 3 से 4 दिन करना है। अगर आप एक बिगिनर हो तो, यानी कि अगर आप आज वर्कआउट किए हैं तो आपको कल के दिन रेस्ट रखना है और उसके बाद आपको परसों वर्कआउट करना है। लेकिन और एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस दिन भी वर्कआउट करें तो आप अपना फुल पोटेंशियल लगा दें, यानी कि आप अपनी पूरी ताकत अपना पूरा 100% देकर वर्कआउट को करें। क्योंकि ये जो न्यूवी गेन का पीरियड है ना, अगर इसका फायदा आप सही से उठाते हो तो आप अपने बॉडी को जल्दी ही बना लोगे। टिप्स नंबर 2, कोई भी शॉर्टकट मत लो। देखिए जो टीन एजर में होते हैं ना, वे अपने बॉडी को जल्दी बनाने के चक्कर में वे जैसे ही वर्कआउट करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ही प्रोटीन पाउडर, मास गेनर, कैरेटीन सप्लीमेंट, इन सब चीजों को लेने के बारे में सोचने लगते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन सब चीजों को शुरुआती दिनों में ही यूज करने लगते हैं। तो देखिए ऐसा गलती आपको कभी भी नहीं करना है। देखिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको कम से कम लगभग 6 महीने तक नेचुरल चीजों पे डिपेंड रहना चाहिए, यानी कि नेचुरल चीजों को खाकर अपने बॉडी को बनाना चाहिए। अगर आप शुरुआत के 1-2 महीने के अंदर ही सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, इन सब चीजों का यूज करते हो तो इसका आपके बॉडी में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको कई तरह के साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए कम से कम 6 महीने तक नेचुरल रहें, नेचुरल चीजों पे डिपेंड रहें और वर्कआउट पे हमेशा ध्यान रखें। टिप्स नंबर 3, एब्स पे फोकस ना करें। देखिए अगर आप एक बिगिनर हो और आप चाह रहे हो कि आपकी बॉडी जल्दी बन जाए तो आपको शुरुआती दिनों में एब्स के वर्कआउट को ना के बराबर करना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप एब्स के वर्कआउट को करते हो तो आपका जो भूख का अर्ज होता है वो कम हो जाता है, यानी कि आपको बहुत कम भूख लगने लगेगी। और जिससे होगा क्या कि आप कम खाओगे और कम खाओगे तो ना तो आपका वेट गेन होने वाला है और ना ही आपकी मसल्स बनने वाली है। और जब तक आपका मसल्स गेन नहीं होगा तब तक आपकी बॉडी जल्दी बढ़ ही नहीं सकती। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शुरुआत के कुछ महीने में आप अपने बॉडी को बल्क करने में, यानी कि अपने वजन को बढ़ाने पे ध्यान दें, ना कि एब्स पे। टिप्स नंबर 4, एक अच्छे डाइट को फॉलो करें जिससे कि आपका मसल्स जल्दी बने, आपकी बॉडी जल्दी बन सके। क्योंकि बॉडी का बनना 70% तक आपके डाइट पे ही डिपेंड करती है। देखिए डाइट के ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस को बना के रखा है, इसलिए इस वीडियो में डाइट के बारे में बताकर और ज्यादा इसे लंबा नहीं करना चाहूंगा। मैं डाइट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उन सब वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। और देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विदाउट प्रोटीन पाउडर के आप अपने बॉडी को नहीं बना सकते हो तो देखिए आप क्या करें कि शुरुआत के कुछ महीने आप प्रोटीन ना लें और प्रोटीन पाउडर की जगह सत्तू का इस्तेमाल करें। जो चने का सत्तू होता है उसका इस्तेमाल करें, इसमें भी आपको काफी मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगी और ये भी आपके मसल्स को काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।